हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर वैली। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो से बात करेंगे फिंगर से पैन कार्ड बनाना। अगर आप हमसे आईडी ले लिया तो आप कैसे कर सकते। फिंगर से पैन कार्ड बनाने के लिए आपको तीनों ऐप का जरूरत है, फिंगर पैन, पैन सर्विस एजेंसी ऐप और पैन सर्विस ड्राइवर। तीनों ऐप्स आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट के लिए। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आपको पैन अप्लाई करने के लिए हमारा ऐप्स ओपन करना है, EKYC पैन कार्ड में क्लिक करना। उसके बाद आपके पास पैन अप्लाई फॉर्म ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन टाइप में आप पैन न्यू फॉर्म क्लिक करेंगे। कैटेगरी में इंडिविजुअल और नेम एज पर आधार, आधार कार्ड में जो नाम है वो टाइप कीजिए। आपको डेट ऑफ बर्थ में क्लिक करना है तो डेट ऑफ बर्थ में क्लिक कीजिए। तो आपके पास एक फॉन्ट ओपन हुआ जिसमें आपको वन साइड में ईयर है, मंथ है मिडिल में और डे है लास्ट में। तो आप एक एक करके सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी टाइप करना है। उसके पहले आपको जेंडर टाइप करना है। तो हम यहां से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करते हैं। पहले तो हम डेट ऑफ बर्थ यहां से सिलेक्ट कर लिया। जेंडर सिलेक्ट करना है, फीमेल मेल, तो मेल यहां पर हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर टाइप करना है, तो यहां पर मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है। आप जो ईमेल आईडी में पैन कार्ड लेना चाहते हैं, जिस ईमेल में आप 30 मिनट में पैन कार्ड लेना चाहते हैं, उस ईमेल को यहां पर टाइप करना है। तो हम यहां पर ईमेल को टाइप करते हैं क्योंकि हम जिस ईमेल में लेंगे उस ईमेल पे। उसके बाद पैन टाइप में आप ई पैन कार्ड या फिजिकल पैन कार्ड, हम फिजिकल पैन कार्ड लेंगे तो ऊपर में क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे, सबमिट में क्लिक करेंगे। यहां पर फेल आ रहा है इसलिए क्योंकि हम एप्स डाउनलोड नहीं किया, पैन सर्विस का जो दो एप्स है वो डाउनलोड नहीं किया। तो क्लिक हियर टू डाउनलोड, तो पैन सर्विस एजेंसी ऐप और पैन सर्विस ड्राइवर दोनों को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप पैन अप्लाई कर सकते हैं फुल्ली कंप्लीट। हम दोनों एप्स डाउनलोड कर लिया, सबमिट में क्लिक किया। उसके बाद और एक न्यू पेज में रीडायरेक्ट होके जाएगा, उसके बाद हम पैन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज वेट बोल के। आपका पेज अगर ब्लैंक हो गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको वेट करना है क्योंकि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वेट आ रहा है। तो देख सकते हैं आपको वेट करना है। आपको एक न्यू फॉन्ट आपके पास आ जाएगा NSDL का। यहाँ पर आप कस्टमर का डिटेल्स फिल कर सकते हैं। आप कस्टमर का आधार नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। उसके बाद उसका टाइटल फिल करना है, तो पहले हम उसका आधार नंबर फिल कर लेते हैं। उसके बाद हम टाइटल सिलेक्ट करेंगे। टाइटल के बाद कस्टमर का आधार कार्ड में जो लास्ट नेम है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर का फर्स्ट नेम जो है टाइपिंग करना है। नेम टाइप करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ कैसे सिलेक्ट होता है ये चीज आपको ठीक से देखना है। देखिए एक साइड में मंथ है और एक साइड में ईयर है, तो पहले आप मंथ को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट कीजिए। ईयर सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए ऊपर में एक तीर चिन्ह है, देखिए नवम्बर 1998 साल के बाद एक तीर चिन्ह है, वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको डेट सिलेक्ट करने का चार्ट ओपन होगा। फिर से देखिए क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम होता है हर कस्टमर का। तो पहले आप मंथ सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप साल सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप ऊपर में देखिए साल के पास में एक तीर चिन्ह है, उसमें आपको क्लिक करना है। उस तीर चिन्हों में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको जेंडर सिलेक्ट नहीं करना होगा, मेल या फीमेल, क्योंकि हम पहले सिलेक्ट कर लिया इसलिए आपको फिलअप नहीं करना है। नीचे में कंसेंट में क्लिक करना है और एक नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, ओके क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू फॉन्ट ओपन होगा, तो हम सबमिट में क्लिक करते हैं। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपको डेटा लोडिंग होगा, सबमिट डेटा में प्रोसेसिंग में है तो आपको वेट करना है। कुछ देर वेट करने के बाद आपके पास और भी एक न्यू फॉन्ट आएगा, तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। इसके बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल ओके क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक न्यू फॉन्ट आएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ओनली नेक्स्ट में क्लिक करना है, तो नेक्स्ट में हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपके पास और भी एक फॉन्ट आ जाएगा, पेरेंट डिटेल्स, वहां पर नो क्लिक करना है क्योंकि सिंगल पेरेंट नहीं होता है, तो इसलिए अगर है तो यस करना है। फादर्स नेम यहाँ पर टाइप करना है।
फादर का लास्ट स्टेप या फिर आधार कार्ड देख के आप टाइप कर सकते हैं। अगर कस्टमर का आधार कार्ड में फादर्स नेम नहीं है तो आप दूसरे डॉक्यूमेंट से फादर नेम पता करके वहां पर टाइप कर सकते हैं। फादर का लास्ट नेम टाइप करने के बाद आपको फादर का फर्स्ट नेम टाइप करना है, क्योंकि इनकम टैक्स और NSDL मानता है अगर आपका कहीं गलत हो गया तो री एंटर करेंगे तो गलत नहीं होगा, इसलिए आपको री एंटर करना है फादर का नेम और फादर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको नीचे में आना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है कार्ट में प्रिंटिंग नाम फादर चाहिए तो फादर में सिलेक्ट करिए और नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद नो इनकम में सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लेस लिखना है। यहाँ पर आप कस्टमर का एड्रेस दे सकते हैं या आप जहाँ बैठकर पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका एड्रेस दे सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एड्रेस टाइप करने के बाद आपको कोड टाइप करना है। क्या कोड, आपका कंट्री का कोड, कंट्री नेम क्या होगा तो उसको टाइप करना है। ओपन में आने के बाद यहाँ पर आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पर आपको इंडिया सर्च करना है। सर्च बार में IN लिखेंगे तो आपको इंडिया आ जाएगा, इंडिया सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू फॉन्ट आया जिसमें आपको एरिया कोड, AO टाइप और रेंज कोड टाइप करना है। पैन कार्ड अप्लाई से पहले आप एरिया कोड और AO टाइप रेंज कोड एक जगह में लिख लीजिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप सर्च करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर टाइप करते, हम पहले से लिख रखा है हमारा एरिया कोड तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबमिट में क्लिक करेंगे। एरिया कोड और AO नंबर देने के बाद हम सबमिट में क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करेंगे तो हमारा पास एक न्यू फॉन्ट ओपन होगा, एक पॉपअप ऑप्शन आएगा, फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल। ओके में क्लिक करेंगे तो हम जो भी डिटेल्स फिल किया यहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो हम ये चीज देख लेंगे। देखने के बाद हम कॉन्फर्म में क्लिक करेंगे। कॉन्फर्म में क्लिक करने के बाद लोडिंग होगा, उसके बाद हमारा पास कॉन्फर्म सक्सेसफुली, यहाँ पर हम ओके में क्लिक करेंगे। ओके में क्लिक करने के बाद हमारे पास न्यू एक फॉन्ट आएगा जिसमें हमको बायोमेट्रिक देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कस्टमर का फिंगर लेना है। कस्टमर का फिंगर लेने के बाद आपको डेटा प्रोसेसिंग में होगा तो आप वेट करेंगे। अगर आपके पास ब्लैक फॉन्ट आ गया तो वेट करेंगे। उसके बाद देख सकते ई साइनिंग ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, हम ओके में क्लिक करेंगे। प्लीज वेट, आपको वेट करना है। अगर आपका स्क्रीन ब्लैक हो जाता है तो आपको वेट करना है, क्लोज नहीं करना है। प्लीज वेट आ रहा है हमारा पास फिर से स्क्रीन में, तो हमको वेट करना है, स्क्रीन को क्लोज नहीं करना है। हम वेट करेंगे तो हमारा पास एक न्यू फॉर्म ओपन हो गया, जो भी हम फिल किया इसको ठीक से देख लीजिए आप, जो भी डिटेल्स एंट्री किया। उसके बाद आपको इसको सबमिट करना है, बैक में क्लिक करेंगे तो ये सबमिट होगा। तो हम यहाँ पर बैक में क्लिक करते हैं तो ये पेज सबमिट होगा, तो हम बैग में क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा पास एक न्यू फॉन्ट आएगा, प्लीज वेट बोल के आपको वेट करना है। आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, टर्म्स एंड कंडीशन ओके करना है। फिर से आपको कस्टमर का आधार नंबर यहाँ पर टाइप करना है और चेक बॉक्स में क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर टाइप करते हैं, चेक बॉक्स में क्लिक करते हैं। करने के बाद कैप्चर फिंगर में क्लिक करेंगे और ओके में क्लिक करेंगे। उसके बाद कैप्चर लेने के बाद हम सबमिट में क्लिक करेंगे, ओके। उसके बाद हम सबमिट में क्लिक करेंगे, ई साइनिंग प्रोसेसिंग होगा। यही हमारा लास्ट स्टेप है, यहाँ पर आपको काम करना है, ये पेज आपको कंप्लीट करना है। अगर कैप्चर फेल होता है, फिंगर फेल होता है, तो आप दोबारा कैप्चर फिंगर में क्लिक करके उसका फिंगर ले लीजिए, ठीक है। तो ई साइनिंग यहाँ पर प्रोसेसिंग है। इसके बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, प्लीज वेट बोल के आपको वेट करना है, क्योंकि आप वेट करेंगे तभी आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, तो आपको वेट करना है। प्लीज वेट, यहाँ पर आपको वेट करना है। इसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिसको आपको एग्जिट करना है। ये जो नोटिफिकेशन आया इसमें आपको एग्जिट में क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू पेज में रिडायरेक्टिंग होके ले जाएगा। यहाँ पर आपको पैन कार्ड का एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बैक में क्लिक करेंगे और फिर से हम हमारे ऐप में आ जाएंगे। आने के बाद हमको क्या करना है, हिस्ट्री में क्लिक करना है। हिस्ट्री में देखेंगे तो हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा।
हम जो पैन कार्ड अप्लाई किया वो सक्सेसफुल हो गया, उसका ट्रांजेक्शन आईडी हमको मिल गया। आप ईमेल चेक कर सकते हैं, ईमेल में आपका NSDL का जो फॉर्म है वो मिल गया और एक्नोलेजमेंट रिसीप्ट मिल गया। आज के वीडियो से हम देखा कैसे आप NSDL पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको आईडी चाहिए तो स्क्रीन में जो नंबर है उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ 49 रुपया में आप आईडी ले सकते हैं। अगर आपको आज के वीडियो अच्छी लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट के लिए।